आप है रेडियो मानरचना 107.8 एफएम पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान है मिस्टर उमेश भाटी जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि आप प्रेजेंट हैं जन सेवा वाहिनी के, प्रचार मंत्री हैं आर्य समाज के, आप लगभग 10 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप ओनर हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूट के, ग्लोबल प्रॉपर्टीज के, ग्लोबल अर्थ मूवर्स के, आप इतने सारे संस्थाओं को चला रहे हैं, उनकी ओनरशिप आपके पास है, आपने ये कैसे सोचा कि मुझे समाज सेवा में आना है, ये सोच आपके अंदर कब, कहाँ से और कैसे आई, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ होती है। जी, मेरा एक मानना है जी, कि जो कलाकार होता है सबसे पहले उसका नाम होता है, और नाम होने के बाद में उसके पास पैसा आता है। जी, लेकिन एक बिजनेसमैन पहले पैसा कमाता है, उसके बाद उसको नाम की इच्छा जगती है। जी, तो मुझे ऐसा लगा कि हमें कुछ बीच का इस तरह से करना चाहिए कि हम समाज के साथ भी जुड़ें और साथ साथ अपनी अर्निंग भी इस तरीके से बनाएं कि उस समाज को हम अपनी तरफ से भी कुछ दे पाए। तो इस सोच के कारण मैंने शुरू से ही मैंने वो वाला अध्याय नहीं उठाया कि पहले मैं पैसा कमाऊं और पैसा कमाने के बाद में, फिर जब मैं अच्छी तरह से पैसा कमा के फिर समाज के साथ जुड़ूं मैं, वो सोच ना बनाकर मैंने साथ ही साथ दोनों चीज़ें करने की सोची कि समाज के साथ भी जुड़ूं एक साइड से और एक साइड से अपने बिजनेस को भी चलाऊं, क्योंकि समाज हमेशा उसी आदमी की बात सुनता है जो कामयाब होता है। जी, जी। जो आदमी खुद कामयाब नहीं है वो आदमी दूसरे को नहीं समझा सकता। तो इसलिए मैंने अपने आप को भी कामयाब बनाने का सोचा, और अपने कामयाब बनने पर ही मैं किसी को ये सलाह दे सकता हूँ कि देखिए मैंने कुछ किया, मैं यहाँ पहुँचा, अगर आप कुछ करेंगे तो आप भी यहाँ पहुँच सकते हैं, बशर्ते आपको एक रास्ता तय करना होगा अपना कि इस रास्ते पे मुझे चलना है, इस रास्ते पे चल के मुझे समाज सेवा भी करनी है और मुझे पैसा भी कमाना है। जी, जी, जी। तो इसलिए मैं इस समाज सेवा के जरिए जुड़ा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि समाज के लोग अगर मिलजुल कर काम करें, बहुत से लोग समाज सेवा के लिए आगे आएं, तो शायद हमारे देश की समस्याओं का काफी हद तक समाधान। नहीं, बहुत बहुत जरूरी है, हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना है, हमें समाज के बारे में भी सोचना है, क्योंकि समाज के साथ हम जुड़े हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे का कोई नाम नहीं होता, सबसे पहला जो नाम उसको मिलता है वो समाज में मिलता है। अगर वो समाज ना हो तो उसका कोई नाम नहीं होगा, लेकिन जब समाज से जुड़ने के बाद, नाम मिलने के बाद में वो बच्चा फिर पढ़ने जाता है, पढ़ने जाता है तो वहाँ एक बच्चों का उसे समाज मिलता है, जहाँ से वो बच्चा सीखता है कि मुझे किस तरीके से खेलना चाहिए, किस तरीके से मुझे टिफिन शेयर करना चाहिए। एक टीचर उनको बताती है कि आप टिफिन शेयर कीजिए, एक छोटी सी घटना है टिफिन शेयर करने की, लेकिन उससे सबका एक तो होता है कि हर बिरादरी का बच्चा उसके अंदर बैठा होता है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे सिख है, तो बच्चे को पता चलता है कि सिख लोग क्या खाते हैं, कि वो टिफिन से पता चलता है उनको, मुस्लिम क्या खाते हैं उनको उसे टिफिन से पता चलता है। दूसरा, उसको कुछ देने की भावना उसके अंदर जगती है कि आज मेरे पास कुछ अच्छा है तो इसमें से तुम ये लीजिए, एक झिझक खत्म होती है कि मैं अपना टिफिन कैसे खोलूं। शेयर एंड केयर के वैल्यू का विकास होता है। आप समाज सेवा करते हुए आपने जो वैल्यू का एक आयाम बताया बहुत खूबसूरत था, और आपकी इन सारी बातों से मुझे गीत याद आ गया, मैं अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहूंगी, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया,
सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल वैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता देख, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता देख, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। से एक मिले तो खतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जल्ला बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी ले, 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 साथी हाथ आप ही रेडियो मालोचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हैं मिस्टर उमेश भाटी जी। आप समाज सेवी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेशन में। धन्यवाद भाटी जी। आज सामाजिक संस्थाओं की यानी NGOs की मशरूमिंग हो रही है, हर गली में हर कूचे में एक सामाजिक संस्था पैदा हो रही है, और जिस तरीके से संस्थाएं आगे निकल कर आ रही हैं बहुत सारी, आपका इसमें क्या कहना है, आपका क्या एक्सपर्ट कमेंट, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? मेरे हिसाब से लोग समाज से तो जुड़ना चाहते हैं, सामाजिक संस्थाएं बनाते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके दिमाग में एक चीज कोने में हमेशा रहती है कि हमें इससे पैसा कमाना है। जी। यही वजह है कि लोग सामाजिक संस्थाओं को आज के समय में पैसे कमाने की मशीन समझ बैठे हैं। इसके जरिए वो नाम और पैसा दोनों चाहने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो, और बहुत आसान तरीका है ये, क्योंकि सिर्फ आपको कुछ चंद लोगों के पास जाना है, उनसे पैसे की मांग करनी है, वो लोग पैसे दे जाते हैं, वो इस वजह से
क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में हमेशा ये माना जाता है कि जितना हम दान करेंगे उतना पुण्य हम कमा रहे हैं जी, जो जी, हमारे अगले जन्म में काम आएगा। उनका बैंक हो जाता है, वो एक बैंक बना लेते हैं वो और उसकी वजह से वो क्या है अपने अपनी मेहनत नहीं कर सकते, वो भी जरिया ढूंढते हैं और वो जरिया ढूंढते हैं सामाजिक संस्थाओं को के माध्यम से वो पुण्य कमाना चाहते हैं वो। तो वो जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस संस्थाओं के तहत पैसा कमाना चाहते हैं उनको बहुत ही इजी वे लगता है पैसा कमाने का, कि अगर किसी के पास गए उसने 501 रुपए दान दिए, किसी ने 501 रुपए दिए, किसी ने 1000 रुपए दिए, तो उस तरीके से अगर दिन में उन्होंने 5000 रुपए कमा लिए तो बहुत है। लेकिन ठीक है, मैं भी इन संस्थाओं को ये कहता हूँ कि अगर आपने 5000 रुपए इस तरीके से कमा भी लिए हैं तो कम से कम 3000 रुपए आप उन तक पहुँचा दो जो असली इसके हकदार हैं, ये भी बहुत जरूरी है। इतनी सारी समस्याओं को सोचते हुए आप कभी ये भी तो सोचते होंगे कि अपना मन कैसे बहलाना चाहिए, और मेरे पास आपके पसंदीदा सॉन्ग की लिस्ट है और मैं आपको और अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगी मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया प्यार की गलियां, बाहों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बाहों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल सी खिल के दिल के दूर से मिल के चैन आए, फूल सी खिल के पास आ दिल के दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे चढ़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। आप है रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ विशेष मेहमान है हमारे मिस्टर उमेश भाटी जी। आप समाज सेवी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। स्वागत है आपका फिर से स्टूडियो में। धन्यवाद भाटी साहब। आपकी जो संस्था है जन सेवा वाहिनी, इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप श्रोताओं को थोड़ा बताएं कि ये क्या संस्था है और किस तरीके से काम कर रही है समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज को आगे नई दिशा देने के लिए। जन सेवा वाहिनी एक संस्था है जी, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग नहीं जुड़े हुए, बहुत छोटे छोटे लोग छोटे तबके से इसमें जुड़े हुए हैं, जिनको पता है कि असलियत कहाँ पे बसता है, उनको असलियत पता है। ये बड़े लोगों की संस्था नहीं है, जिनको ये नहीं पता गरीब रहता कैसे है, खाता कैसे है, किस तरीके से वो परेशान है। इस संस्था में जितने ज़्यादातर लोग जुड़े हैं वो हैं जो कि खुद गरीब है, तो वो समझते हैं कि कहाँ किसकी पीड़ा किस तरीके से है। तो ये संस्था जो सबसे जो मेन कार्य है इसका, एक तो लड़कियों को शिक्षित करना, जिस तरीके से हम लोग सिलाई केंद्र बना रखे, हमने सिलाई केंद्र है और ब्यूटिशियन का कोर्स है, ये इस तरीके के कुछ कोर्स हैं जिससे कि लड़कियां शादी से पहले भी और शादी के बाद भी स्वावलंबी बन सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। इस तरीके के हमने कुछ खोले हुए हैं। कुछ हम जो गरीब, बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जिनका बहुत मुश्किल है, जो कि आज की डेट में मानना पड़ेगा हमें, चाहे कितना ही कहें कि दहेज नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी दहेज चल रहा है। दहेज ये बनाया गया था बहुत पुराने समय में, जरिया बनाया गया था कि उस लड़की को एक एक आदमी अपनी तरफ से कोई अगर सामान देता है तो उसके पूरे घर का सामान इकट्ठा हो जाता है। इसलिए एक समाज के साथ ये चीज बनाई गई थी कि कोई अपनी तरफ से बर्तन देता था, कोई अपनी तरफ से कपड़े देता था, तो सारे रिश्तेदार मिलके उस लड़की का पूरा सामान कर देते थे। लेकिन आज के वक्त में ये चीज बदल गई है। आज पैसे वालों ने इसको एक बिजनेस बना दिया है। एक बड़ा नेता बड़े नेता के साथ शादी करता है अपनी लड़की की या लड़के की, एक बड़ा बिजनेसमैन बड़े उसके साथ करता है ताकि एक बिजनेस टाइप बन पाए। लेकिन उसकी वजह से पिस रहे हैं वो गरीब बच्चे, पिस रहे हैं गरीब लोग, पिस रहे हैं। उनके पास दहेज नहीं है, लेकिन इच्छाएं उनकी उसी तरीके से होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा सब लोगों से इकट्ठा करके जिस लड़की की, गरीब लड़की की शादी हो रही है, उसकी शादी में भी हम उसको वो सामान दे पाए जो उसकी जरूरत की है। गरीब बच्चों को पढ़ाना ये भी हमारे एक उसमें आता है। मेरा कहना ये है कि हम बिल्कुल अंडर अर्थ वर्क कर रहे हैं, अर्थ पे भी नहीं वर्क कर रहे, अंडर अर्थ वर्क कर रहे हैं। क्या बात भाटी साहब, आपकी इन बातों को सुनकर आपका एक पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहा है, जो आप अभी शादी की बात कर रहे थे, दुल्हन की बात कर रहे थे, लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, और जो आप शादी की बात कर रहे थे इससे बिल्कुल मैच कर रहा है ये, और आपके पसंदीदा सॉन्ग है, इसलिए मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूँ।
जादू छा गया मेरे चांद को देख कर चांद भी शर्मा गया मुझे शर्म सी आए मेरा दिल घबराए अरे आप बाहों में चूक न जाए ऐसे मौके से तुझको पिया ने देख लिया हाय रखो कैसे माना कि तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो दिलबर से इकरार कर ओ तेरे प्यार की खुशबू मेरी सांसों में समा गई ले सजना सब छोड़ मैं तेरे पीछे पीछे आ गई तुझे प्यार हो गया माधुरी के साथ और आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हैं मिस्टर उमेश भाटी जी और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाटी साहब। जैसा कि आप कह रहे थे कि आपकी संस्था में गरीब लोग हैं जो गरीबी जानते हैं और उनके गरीबों के साथ जड़ों से जुड़कर काम करना जानते हैं कर सकते हैं लेकिन समाज आपको नहीं लगता कि समाज सेवा करने के लिए फाइनेंसेस की जरूरत होती है आप कैसे करके जुटाते हैं फाइनेंसेस? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पैसे की जरूरत हर जगह हर समय और हर पड़ाव पे पड़ती है जी। उसके लिए हमें कुछ लोगों की तरफ देखना भी पड़ता है कुछ हम कहते हैं कि हम अपने चार रोटी में से कुछ दो रोटी निकालते भी हैं क्या बात तो दोनों तरीके से हम उनके लिए कुछ इकट्ठे करते हैं पैसे उसके लिए भी हमें भी उसी तरीके से जाना पड़ता है लोगों के पास में कि हम ये कर रहे हैं लेकिन कोशिश ये रहती है कि हम भी उसमें कुछ अपना भी डाल पाए। जी जी जी। और क्या क्या आपके टारगेट्स हैं जब आप समाज सेवा के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं तो आप मुझे पीछे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि समस्या की जड़ तक पहुंचना और समस्या का हल करना इसके बारे में आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएंगे। देखिए सबसे पिछड़ा जो वर्ग माना जाता है वो महिला वर्ग माना जाता है। जी जी। हम शुरू से देखें मतलब बचपन से ही लड़की को बिल्कुल ही एक अलग नजरिए से देखा जाता है। उसको एक माँ जो है उसको एक अलग तरीके से शिक्षा देती है कि तुम्हें ये करना है ये नहीं करना है तो उसमें नहीं शब्द बहुत ज्यादा आता है किसी भी चीज में जाइए ये नहीं करना है ये नहीं करना है ये नहीं करना है तो उसके नहीं नहीं शब्द इतना दिमाग में घुस जाता है लड़की के को जिंदगी में बस उसको जो भी करने की सोचती है तो नहीं पहले शब्द आ जाता है उसके सामने कि नहीं करना है मुझे। तो हमारी जो सोच है वो ये है कि लड़कियों को जितना स्वावलंबी बनाया जाएगा जितना उनको पैरों पर खड़ा किया जाएगा जिनको जितना उनको आगे लेके आया जाएगा तभी इस देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये देश तभी आगे बढ़ सकता है जब लड़कियां शिक्षित होंगी लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी होंगी क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव हमेशा आदमी से रहा है। आप देखेंगे लास्ट में जैसे कहते हैं कि एक आदमी जब मर जाता है
तो उस वक्त जो है वो बिल्कुल भौचक्के खड़ी होती है वो औरत, क्योंकि उसे ये नहीं पता उसे करना क्या है। अब वो अपने बच्चे को कैसे पाले, कैसे पैसे लेके आए, कहाँ से जाए, जिसके पास भी हाथ फैलाए उसको अलग नजरिए से देखा जाता है। तो क्यों ना हम शुरू से ही लड़की को कहें, नहीं ये करना है तुम्हें, इसमें आगे बढ़ना है तुम्हें, इस चीज को तुम कर सकते हो। इस तरीके के जो शब्द जो लड़कों के लिए यूज होते हैं वो लड़कियों के लिए यूज होने चाहिए। इस तरीके के जब चीजें शुरू होंगी तो हो सकता है वो जो समस्याएं हैं जो वो जड़ से खत्म होंगी, लेकिन तभी खत्म होंगी जब औरत शिक्षित होगी। एक औरत ही लड़की पैदा होने पे बोलती है कि तुम क्यों आई। लोग कहते हैं कि देखो औरत ही लड़की के पैदा होने पे रो रही है कि देखो लड़की पैदा हो गई, लेकिन उसके कारण पे नहीं जाते हम लोग। वो इसलिए रोती है कि मैं तो परेशान हुई, ये और आ गई परेशान होने के लिए। ये जड़ मतलब असलियत है। ये वो इसलिए रोती है कि मैं तो पूरी जिंदगी परेशान रही, ये भी परेशान, अब ये और आ गई है इस समाज में परेशानी झेलने के लिए। जिस दिन उसको लगेगा नहीं मेरी लड़की ये कुछ बन सकती है, कुछ आगे जा सकती है और ये भी मेरा नाम रोशन करेगी, उस दिन उस जिस तरह से लड़के के लिए थाली पीटते हैं लोग, लड़की के लिए भी थाली पीटते। तो भाटी साहब आप ये बताना चाह रहे हैं कि लड़कियों को इतना मजबूत बनाना, और मुझे वो बहुत खूबसूरत गीत याद आ रहा है, कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे
107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हैं मिस्टर उमेश भाटी जी, और रूबरू करा रहे अपने श्रोताओं को। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो। धन्यवाद माधुरी जी। भाटी साहब, आप ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कह रहे थे कि संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करना। हाँ जी, इसके बारे में आप क्या आप कहना चाहते हैं? देखिये, ज्यादातर जो संस्थाएं हैं, आप देखेंगे कि गरीब तबके में काम कर रहे हैं, तो जब वो गरीब तबके में काम करते हैं तो वहाँ जो जड़ है समस्याओं की उनको वो उठाते हैं, और ज़्यादातर समस्याओं की जड़ के साथ जो जुड़े हैं वो वहाँ पे वो लोग होते हैं जो पैसे वाले होते हैं या जो पावर रखते हैं, क्योंकि वही समस्याओं को पैदा करते हैं। अब उनके अगर अगेंस्ट में कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको हमेशा सुरक्षा चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इस देश के अंदर जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है वो भी उन पैसे वालों के हाथों से खिलवाड़ बनी हुई है। जी। वो भी उन्हीं की बात ज्यादा सुनते हैं, संस्थाओं की नहीं सुनते। तो मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से संस्थाओं को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप कार्य कीजिए, उसी तरीके से उनके अपने आई कार्ड्स और इस तरीके से कुछ बना होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर वो थाने या कहीं पहुंचते हैं तो उनकी जल्दी सुनवाई हो। हालांकि ऊपर से इस तरीके का है कि जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन वो होती नहीं है। तो अगर सरकार इस पे ज़्यादा गौर करे तो मेरे हिसाब से समस्याओं का निदान बहुत जल्दी हो सकता है। तो सुरक्षा प्रदान करना बहुत ज़रूरी है उन समाज सेवियों को जो कि समस्याओं की जड़ को ख़त्म कर रहे हैं। आप अभी कह रहे थे कि पैसे का बोलबाला है, पैसे वालों की सुनी जाती है, तो मुझे वो गीत याद आ रहा है, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया। द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी ना कर सकता मेरे यार। जाट टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तू माँ के कोठे के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। खाली अगर तू मर गया मेरी जान, ना अग्नि तुझको छुएगी न धरती ही देगी मान। ये है मेरे भाई ये खुदाओं का घर, तेरी दौलत ने बनाया तो हुए खुश अल्लाह भगवान। दुनिया के खातिर जोड़े जाना पैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। एक लीडर को देखो ही इज लुकिंग सो वेरी ग्रैंड, बुलाता फिरता डिनर है इन द होटल सन एंड सैंड। उसके लड़के की शादी देखे जाइए न पूछ, कहां से आया ये हाथी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश बैंड। आज कहां का नेशन काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। वंस मोर, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। आप ही रेडियो मानवचना पर 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हैं मिस्टर उमेश भाटी। स्वागत है आपका बहुत बहुत स्टूडियो में। भाटी साहब, आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि स्टिंग ऑपरेशंस
को संस्थाओं के साथ लेकर करना चाहिए। इस बात से आपका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब इस बात से? जैसे मैंने अभी पहले बताया है कि समस्याओं की जड़ तक एक समाज से भी पहुंच सकता है। तो जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन आज की डेट में पत्रकार लोग कर रहे हैं, अगर वो और इस पे थोड़ी सी कड़ी मेहनत करें और उन लोगों से जुड़ें जो समाज सेविक हैं, जो बिल्कुल नीचे तबके लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको वहाँ की जो समस्याएं हैं उस पे स्टिंग ऑपरेशन करने की जो जरूरत पड़ सकती है या उनको जो हेल्प है वो वहाँ से मिल सकती है, वो उस तरीके से उन समस्याओं को भी उठाया जा सकता है टीवी के द्वारा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो जो टीवी के एंकर हैं या टीवी के स्टिंग ऑपरेशन वाले लोग हैं वो उन लोगों तक पहुँचे, उन संस्थाओं तक पहुँचे। इससे दोनों तरीके से बात बन सकती है कि एक तो उन गरीबों की आवाज़ उठ सकती है या वो जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ उठ सकती है, और स्टिंग ऑपरेशन वालों को भी एक सही चीज़ सही तरीके से दिखाने का मौका मिल सकता है। भाई साहब, आप स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे थे, पत्रकारिता की बात कर रहे थे, तो आपकी वो पसंदीदा गीत मुझे पत्र से संबंधित याद आ गया, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद अपने वतनों की याद। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ परदेश को जाने वाले लौट के फिर ना आने वाले, सात समंदर पार गया तू हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू, कम खाते हैं कम सोते हैं बहुत ज्यादा हम रोते हैं, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। सुनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गए बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले भूल गया तू हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली दीप नहीं दिल जले है खाली, तेरे जब आई होली पिचकारी से छूटी गोली, पीपल सूना पनघट सूना घर शमशान का बना नमूना, फसल कटी आई बैसाखी तेरा
चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है वतन से चिट्ठी आई है। जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, तेरी बीवी करती है सेवा सूरत से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को या वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी पर माधुरी के साथ, और आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान है मिस्टर उमेश भाटी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। धन्यवाद। आप भाटी साहब, अभी हम पत्र की और चिट्ठी की बात कर रहे थे, और पत्रकारिता से आप लगभग 10 वर्षों से जुड़े हुए, अभी आप स्टिंग ऑपरेशंस की बात कर रहे थे। हमारा ये डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, या मीडिया, या न्यूज़पेपर्स, या न्यूज़ चैनल्स, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आया है, बल्कि बहुत ज़्यादा आया है कि ये भी लगता है कि पत्रकारिता भी और ये मीडिया भी, ये न्यूज़ चैनल्स भी, ये भी अक्षम हैं सच्ची बातों को सामने लाने में। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई भी एक ब्रांड है, ब्रांड नहीं नेम लेती, वो एक टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करती है एक आम जनता को, लेकिन जब वो उस टेलीफोन डिपार्टमेंट से परेशान होता है और जब वो मीडिया के पास जाता है, तो मीडिया ये कहता है जी आप हमारे पास प्रूफ लेकर आओ। एक आम इंसान मीडिया को प्रूफ देने जाएगा, वो कहाँ से प्रूफ उठाएगा? क्या मीडिया का काम है प्रूफ लेके छापना क्या? और सच्चाई तो ये है, बिकॉज क्योंकि वो इसलिए उसके बात नहीं छपाएगा या इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उसने उस कंपनी से उसको एड मिल रही है, तो क्या ये मीडिया बिकाऊ नहीं है? आप क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, इसमें जहाँ तक मीडिया की बात करें हम, तो ये बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मीडिया किसी बात को प्रेजेंट करता है, जी, उसकी इन्वेस्टिगेट नहीं करता है। मीडिया एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, मीडिया सिर्फ आपकी बात को आगे रख सकता है। लेकिन कुछ चीजें इस तरीके से बंधी हुई है, इस तरीके से मीडिया के भी हाथ बंधे हुए हैं। आज की डेट में अगर आप देखें तो इतने केस मीडिया में पत्रकारों के ऊपर हो रहे हैं, मानहानि के भी, कि
मजबूरी बन गई है कि किसी भी चीज़ को उठाने से पहले उनके बारे में या उनकी चीज़ों को देखने के बारे में या उसके लिए सबूत लेने के लिए वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं। अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिस नहीं है, इस वजह से वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो डिमांड करते हैं कि आप हमें कुछ हमारे को कुछ पेपर ऐसे दे दीजिए जिसके बिहाफ पे हम उसको छाप सकें। तो ये कुछ अभी भी कहते हैं कि गवर्नमेंट ने पूरा छूट दी हुई है, लेकिन पूरी छूट नहीं दी हुई पत्रकारिता को। जी। दूसरा, जहाँ तक बात एक और है कि जहाँ पैसे का बोलबाला है, इसमें आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वो झोला छाप पत्रकार अब खत्म हो चुके हैं। पहले जो एक पत्रकार की एक वो होती वेशभूषा छवि थी कि कुर्ता होगा, एक बैग टंगा होगा, साइड में कान में जो है कलम लगी होगी, तो पत्रकार उसी को माना जाता था। लेकिन आज वैसा नहीं है, क्योंकि पैसे की जरूरत किसको नहीं है। मैं मतलब एक वैसे ही छोटी सी एक बात बताता हूँ कि मेरे पास कार है और एक मेरे दोस्त जिनके पास एक पुराना स्कूटर था, हमें एक स्कूल में बुलाया गया सम्मान देने के लिए। हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने हमें सम्मानित किया। सम्मानित करने के बाद में काफ़ी देर वो स्कूल का प्रोग्राम चला, उसके बाद वो हमें छोड़ने के लिए बाहर आए। वापस आए तो मैंने अपनी गाड़ी स्कूल के गेट पे पार्क की हुई थी, उन्होंने पहले मुझे छोड़ा, मेरे दूसरे पत्रकार साथी से पूछा कि जी आपको कहाँ छोड़ना है। उनके पास वो टूटा सा स्कूटर था, वो किसी कोने में खड़े करके आए थे। उन्होंने आना कि नहीं कि नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा मैं, लेकिन वो लोग नहीं माने, उनको छोड़ने के लिए वो स्कूटर तक पहुँचे। तो जब वो स्कूटर तक पहुँचे तो उनको बड़ा पहले तो शर्म महसूस हुई कि भाई स्कूटर, फिर उसके बाद में उन्होंने कम से कम मेरे सामने ही 15-20 बार स्कूटर में किक मारी और स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत होगी। अभी वो सम्मान अंदर से लेके आ रहे हैं, एक उनको बोला जा रहा है कि ऐसे पत्रकार जो निर्भीक हैं और लिखते हैं ये करते हैं, और उसके बाद बाहर आके उनकी ये दयनीय स्थिति थी कि उनका स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर उनको बोला कि आप मेरी गाड़ी में बैठिए, हम चलते हैं। तो ये क्या है, ये आदमी की सोच ये बन गई है कि हम जिसको अंदर सम्मान दे रहे हैं ये लंबी गाड़ी में आया होगा। अब ये जो लंबी वाली गाड़ी का जो आता जाती है, तो लंबी गाड़ी कहाँ से आएगी, पैसे से आएगी। उस पैसे के लिए फिर वो भी पत्रकार भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है। जी जी, अभी हम बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे स्कूटर और कार की बात पर, तो आपका वो पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहा है, अपने श्रोताओं को मैं सुनाना चाहूंगी। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, बन जाएंगे
जहर पीते पीते बल जाएंगे जहर पीते पीते ये अश्क जो पीते जा रहे हो ये अश्क जो पीते जा रहे हो जिन जख्मों को वक्त भर चला है जिन जख्मों को वक्त भर चला है तुम क्यों उन्हें छेड़ जा रहे हो तुम क्यों उन्हें छेड़ जा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो रेखाओं का खेल है मुकद्दर रेखाओं का खेल है मुकद्दर रेखाओं से मात खा रहे हो रेखाओं से मात खा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो आप है रेडियो मानोचना 107.8 एफएम पर माधुरी के साथ और आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हैं मिस्टर उमेश भाटी जी और आप समाज सेवी हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी ऑफ द रिकॉर्ड आप एक बात कर रहे थे कि पैसा सरकार का सही जगह पहुंचना चाहिए ये तो बहुत ज्वलंत प्रश्न है कि जो भी पैसा आता है सच में सही जगह तक नहीं पहुंचता तो आप कैसे इसको सुधारना चाहेंगे समाज सेवा या अपने संस्था के माध्यम से देखिए इस चीज़ को हमारे जो देश के बड़े बड़े नेता हैं जी। वो भी इस बात को मानते हैं कि सरकार से एक रुपये चलता है और पहले कभी पुराने वक्त पे एक नेता ने कहा था कि एक रुपये चलता है 25 पैसे नीचे पहुंचते हैं या 40 पैसे नीचे पहुंचते हैं लेकिन आज उन्हीं के सपुत्र ने ये माना कि एक रुपया चलता है और सिर्फ 10 पैसे नीचे पहुंचते हैं तो कहने का मतलब है कि पिछले 10 साल के अंदर या 15 साल के अंदर वो घटा है बड़ा नहीं है ये बड़े दुख की बात है और दोनों ही बाप बेटों ने इस बात को माना है कि ये चीज घट रही है जबकि जैसे उन्होंने कहा था एक रुपए से 40 पैसे पहुंचते हैं तो वो आज 80 पैसे हो जाने चाहिए थे जी जी जी। लेकिन किसी भी सरकार ने इस पे कार्य नहीं किया कि 80 पैसे क्यों नहीं हो रहे ये 10 पैसे क्यों हो गए इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि सरकार का जो पैसा चलता है वो इतने हाथों से गुजरता है कि जैसे जैसे गुजरता है उतना ही वो कम होता चला जाता है और आखिर में जिसके पास पहुंचता है वो इतना रह जाता है कि उसके काम का नहीं होता वो तो कहीं ना कहीं जो मीडिएटर्स हैं इनको सरकार को खत्म करना पड़ेगा संस्थाओं को डायरेक्ट टच में लेके आना पड़ेगा जब ये बीच के जो दलाल हैं ये खत्म होंगे तभी पैसा जो है नीचे लेवल तक पहुंच पाएगा और जब असली पैसा पहुंचेगा तभी उनके काम आएगा जरूरत तो उसको मान लो 10,000 रुपए की है लेकिन उसके पास में अगर 1,000 रुपए पहुंच रहा है तो वो तो वहीं का वहीं रह गया फिर क्योंकि उससे 1,000 रुपए से उसकी समस्या नहीं सुलझी लेकिन सरकार से 10,000 रुपए चले गए तो ये सबसे मेन जो आज की डेट में जो जड़ है वो प्रॉपर तरीके से पैसे का ना पहुंचना है इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने जब कुछ करना होता है किसी कॉलोनी में जाके तो हम उनको पैसे ना देके हम सीधा ही उनको वो स्टफ प्रोवाइड करते हैं या वो सामान प्रोवाइड करते हैं जो उनको चाहिए ठीक है जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि लोगों ने आजकल एक बनाया हुआ है कि गरीब है
कंबल दे दो, तो कंबल 70-80 रुपए के कंबल वो ऐसे बांटते हैं कि वापस वो कंबल दोबारा से दुकानों बिक जाते हैं, क्योंकि वो 70-80 रुपए के कंबल से ना तो उसकी सर्दी रुकने वाली, उसकी जरूरत को पूरी नहीं कर रही। अब इस चीज को थोड़ा सा बदल के हमने क्या किया है, लेडीजों को स्कार्फ दे दिया, क्योंकि कंबल पहन के तो इसका मतलब घर में बैठ जाना है जी जी जी, लेकिन जो काम पे जा रहा है वो तो ठंड में मरेगा। हमने उसको और कंबल दे दिया कि भाई तू कंबल ओढ़ ले और घर में बैठ जा, काम मत कर। जब काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से कमाएगा वो, ठीक है। तो लेडीजों को स्कार्फ दे दिया, बच्चों को ग्लव्स दे दिए, जेंट्स को ग्लव्स दे दिए, ये ऐसी चीज आप मोटिवेट कर रहे हैं कि मतलब ऐसी चीज है जो उनके रोजमर्रा की जरूरत पड़े, जिनको रोजमर्रा जिनको चाहिए उन चीजों को हम उनको दें। और अगर हम इसी की जगह उनको पैसे पकड़ा देते तो शायद वो स्वेटर या जर्सी या स्कार्फ नहीं खरीदते, उसके बच्चों के लिए खाना ले आते। पैसा नहीं देके तो बहुत अच्छा है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी इन बातों से मुझे वो गीत याद आ रहा था, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। गीत सुनाने से पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमारे स्टूडियोज में आए अपने कीमती समय में से समय निकालकर। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, मुझे आज अपने मन की बात कहने के लिए आपने एक स्टेज प्रोवाइड किया जिससे मैं अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचा सका। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात है। और सुनते रहिए रेडियो मनोरंजना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। It happens only in India. It happens only in India. Jahan paon mein payal, haath mein kangan ho, maathe pe bindiya. It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए। और अशकों से